थैंक यू सो मच जैन साहब। सबसे पहले तो आज 4 साल हो गए, 4 साल पहले आज के रोज भारत में भारतीय हुकूमत ने यकतरफा तौर पर कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, स्पेशल स्टेटस खत्म किया, और उसके बाद से हम देख रहे हैं अभी तक के जो हालात हैं कश्मीर में, हमें आज भी नॉर्मलसी नजर नहीं आ रही। एक जो टेम्परेरी प्रोविजन 70 साल से चल रहा था, ये उम्मीद रखा कि 4 साल में पूरे हालात बदल जाएंगे, वो सही नहीं। हालात बदलने में टाइम लगता है, लेकिन हालात बदल रहे हैं। भारत को जब आजादी मिली 1947 में, तो हमारी तो 560 से ज्यादा अलग अलग स्टेट थी, वो ज्वाइन भी अलग अलग टाइम से किया था। कश्मीर अक्टूबर में ज्वाइन किया था, आजादी के 2 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका था, तो हर स्टेट के साथ जो एग्रीमेंट था उसमें कहीं ना कहीं फर्क था। कश्मीर को टेम्परेरीली एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, अब वो तो टेम्परेरी था, टेम्परेरी तो टेम्परेरी होता है, उसको कभी ना कभी तो खत्म होना ही था। लेकिन जनरल साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, टेम्परेरी तो वाकई जिस तरह आपने कहा वो टेम्परेरी होता है, हमने माजी में कभी दुनिया की तारीख में नहीं देखा कि कोई टेम्परेरी हो मामला और वो 70 साल तक उसी तरीके से चलता जाए 72 साल तक। तो 72 साल तक चलने वाली चीज तो टेम्परेरी नहीं हो सकती। साहब ऐसा है, इतिहास में बदलाव आने में समय लगता है। वो जो टेम्परेरी प्रोविजन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, वो असेंबली ही नहीं है, तो उस टेम्परेरी को परमानेंट में बदलना या उसको हटाना हमारी सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकते, जो के हर इंसान की आवाज उठाती है। उस पार्लियामेंट ने उसको 2019 में टेम्परेरी प्रोविजन को खत्म कर दिया। लेकिन किस तरीके से जनरल साहब किस तरीके से खत्म किया? आपके अपने भारत के कानून के अंदर लिखा था कि अगर कश्मीर के हवाले से ऐसा कोई इकदाम उठाएगी हुकूमत तो उससे पहले जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उससे रेजोल्यूशन पास की जाएगी। आप लोगों ने तो ये मामला किए ही तब जब वहां पर आप लोगों ने असेंबली को खत्म करवा दिया, और ये तो जबरन किए जाने वाला काम है ना। और भारत की असेंबली आज बिल पास कर दे कि जी न्यूयॉर्क जो है वो भारत का कैपिटल होगा, तो इसका मतलब है कि अब न्यूयॉर्क भारत का कैपिटल बन जाएगा? अगर आपकी बात मैं मान के चलूं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टेम्परेरी प्रोविजन किया था, वो असेंबली ही नहीं रही, तो उसको ना हटाया जा सकता है ना परमानेंट किया जा सकता है, वो सही नहीं है। मेरा मानना है कि देश के हर सूबे में एक ही कानून होना चाहिए, एक ही सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, एक ही झंडा होना चाहिए, एक ही पासपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो आंध्रा, हमारे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो वो पार्लियामेंट ने जब 2019 में उस टेम्परेरी प्रोविजन को हटा दिया, वो बिल्कुल सही था। कुछ लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। लेकिन जनरल साहब अगर कश्मीरी नहीं रहना चाहते आपके साथ कश्मीरी नहीं रहना चाहते तो आपकी पार्लियामेंट कौन होती है कश्मीरीज के ऊपर ये जबर करने वाली कि नहीं जी आपने हमारे साथ ही रहना है? वो नहीं रहना चाहते आपके साथ? पार्लियामेंट से बड़ा एक डेमोक्रेसी में कोई बॉडी नहीं, और पार्लियामेंट ने खुलेआम वो रूल पास किया था। आपकी पार्लियामेंट के जनरल साहब मेजोरिटी लोग जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपकी पार्लियामेंट के सीनियर लोग जो वाकईतन डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, उन सब ने इसके अगेंस्ट आवाज बुलंद की और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता इस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी की हुकूमत कर रही है। अभी मैं अल जजीरा के ऊपर जो दलाइल पढ़ रहा था, जो वकला की जानिब से दलाइल सामने आ रहे हैं, वो इतने मजबूत दलाइल हैं कि ये अब आपकी सुप्रीम कोर्ट का भी टेस्ट है। अगर वो मेरिट के ऊपर फैसला करती है तो ये आर्टिकल का एब्रोगेशन का प्रोसेस रिवर्स होगा। तो जब कश्मीरी तो रहना नहीं चाहते जलसा मीडिया के साथ, तो क्या जोर जबरदस्ती है फिर? देखिए, इंडिया एक फ्री डेमोक्रेसी है, खुली डेमोक्रेसी है, हर इंसान को हक है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रोविजन को चैलेंज करने का। कुछ लोग उसको चैलेंज किया है, वो आज के दिन बातचीत सुप्रीम कोर्ट को लार्जर बेंच उसको एग्जामिन कर रहा है, वो कानून का हर पहलू एग्जामिन करेंगे और फिर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगी वो देश में लागू होगा। तो अभी तो सब ड्यूटी से मामला,
उसके बारे में कोई बहस करना है कि वो सही है नहीं है, हटेगा नहीं हटेगा, तो प्रीमेच्योर है।